सो हाय गाइस, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं न्यूली लॉन्च क्रेटा एलाइन 2024 के बारे में, जिसमें दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं N8 एंड N10, जिसकी प्राइसिंग 60 लाख टू 20 लाख तक चली जाती है। जो इसका N10 टॉप मॉडल आता है DCT, उसकी 20.20 लाख तक स्टार्टिंग होती है। डायमेंशन की बारी आ, जो गाड़ी में लेंथ मिल जाती है 4330 mm, विड्थ 1790 mm, जो इसका व्हील पे 2610 mm का मिल जाता है। अब जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिलता है, काफी अच्छा खासा एक्सटीरियर लुक पे आया। यहाँ पे LED सेटअप मिलता है पूरा, बीच में आपके हुंडई के लोगो मिल जाता है, 360 डिग्री व्यू मिलता है, स्पॉइलर भी काफी स्पोर्टी लुक में आता है, साइड ORVM इंडिकेटर मिल जाते हैं, एंड इसमें नीचे साइड रेड स्किड प्लेट भी मिल जाती है। बारी आती है इसके फ्रंट लुक की, तो गाड़ी नॉर्मल क्रेटा से थोड़ी अलग दिखेगी, क्योंकि इसमें जो बंपर है नीचे साइड शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका 360 कैमरा मिलता है, वो भी लोगों के एकदम बीच में दे रखा है, लोगों भी सेटन फिनिश में आता है, LED सेटअप मिलता है पूरा, अलॉय व्हील भी वैसे गाड़ी के हिसाब से खूब अच्छे डिजाइन करे, जिसका साइज 215/65R17। इंटीरियर पे आए तो 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, डिजिटल इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ट्रांसमिशन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में प्रोवाइड है, एंडलाइन काफी अच्छा वेरियंट है वैसे तो। स्टीयरिंग पे आपको मेन चेंजेस देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको ऊपर की साइड पैनोरमिक सनरूफ मिल जाती है, जो कि पुरानी फेसलिफ्ट में भी थी। बूट स्पेस पे आया तो यहाँ पे गाड़ी में 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, पीछे की साइड हैलोजन लैंप मिल जाता है, एंड सबवूफर भी आपको बोस का प्रोवाइड कर दिया गया है। अब जो इसके इंजन टाइप की बारी आती है, तो यहाँ पे 1500cc का इंजन मिल जाता है, जो कि निकालता है 253 Nm टॉर्क विद 167 bhp, 50 लीटर का इसमें टैंक मिल जाता है, पेट्रोल एंड डीजल दोनों में प्रोवाइड है गाड़ी। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ तक वीडियो देख ले, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।